नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और ये पनियरा खास है। ये गांव का क्या नाम है? पनियरा खास गांव है। और कल एक खबर सुनी होगी आप लोगों ने कि सदीक नाम के व्यक्ति थे जो लगभग 35 साल उम्र थी उनकी, वो गए थे सुबह में यहीं बांकी जंगल से बवनौली जंगल बाकी थोड़े दूर पे है बवनौली जंगल से पत्ता तोड़ने, बकरी जैसे देख रहे हैं बकरी है इनके घर पे, यही इनका मकान है, देख लीजिए ये इनका मकान है। और गए थे पत्ता लेने और एक उनके साथ दुर्घटना घटी, पेड़ से हाथ फिसल गया, गिर गए और वहीं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमारे हैं रीजन ये है कि जब सुना गया है ये देख सकते हैं ये बिटिया है उनकी, कै साल की है? छह साल की बिटिया है। और अच्छा, गोद में बच्चा हूँ। अच्छा, कितना दिन का है? तीन महीने का बच्चा है। आप पत्नी हैं उनकी। काफ़ी मार्मिक घटना है और देख सकते हैं बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। अच्छा, वो भी खैर वो तो समझदार है लेकिन अभी इस छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि बाप का साया उठ गया, कितनी बड़ी समझ सकते हैं। और किसी तरह की अभी कोई मदद मिला आप लोगों को? तो यही देख सकते हैं पीछे जो बकरियां हैं उन्हीं के लिए, चूँकि ठंड का मौसम चल रहा है और जंगल के किनारे लोग ये अमूमन पशुपालन करते हैं और घर पे बकरी वगैरह रखते हैं, तो उसी इन्हीं के खाने के लिए पत्ता वगैरह जंगल पे लाने गए थे जंगल में, और पेड़ पे चढ़े थे पत्ता तोड़ने के लिए, वहाँ से डाल से हाथ फिसल गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। दयनीय स्थिति है काफ़ी, देख सकते हैं आप लोग। और ऐसे में अगर निश्चित तौर पर प्रशासन से मदद नहीं मिलेगी इनके परिवार को, क्योंकि वो एकमात्र कमाने वाले थे इनके परिवार में, और शासन प्रशासन से मदद की इतनी आवश्यकता आप खुद देख सकते हैं कि ये उनका पूरा परिवार है, पाँच लोगों का, चार बच्चे हैं, चार के चारों नाबालिग हैं और ये पत्नी हैं, एकमात्र कमाने वाले वही थे ना, एकमात्र कमाने वाले। कैसे इनका गुजारा होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई इन बच्चों का होगा, ऐसी चीज़ है ना। आगे चल के अभी थोड़ा तकलीफ होगा आप लोगों को, समझ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं और शासन प्रशासन से मांग भी करते हैं कि ऐसे में मदद की कितनी सख्त आवश्यकता है इस परिवार को। देख सकते हैं मकान दिखाया आपने, टूटा देख लीजिए वहीं से है, इसी तरह से जीवन यापन होता था। क्या करते थे वो? गुजारा करने वाले थे, कमाने वाले, पूरा परिवार अकेले कमा के, और कितनी बड़ी बात है कि बच्चियों को और बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छी शिक्षा दिला रहे थे। बड़ी बच्ची है, लगभग 15 साल उम्र है इसकी, 10वीं में है, लड़का है, एक बच्ची छोटी है और एक गोद में भी देख सकते हैं। और इनके हमको जैसे कि बताया हमने कि ये दोनों खैर थोड़ा समझदार हैं, लेकिन ये जो बच्चे बच्ची और बच्चे हैं छोटे हैं, इनको पता भी नहीं होगा कि इनके सर से बाप का साया उठ चुका है। गला रुक जाएगा आपका भी, जाहिर सी बात है, ऐसी दर्दनाक घटना है, कोई सोचा नहीं होगा, घर से गए होंगे तो ये घर वाले परिवार वाले यही सोचेंगे कि अभी पत्ता लेके आएंगे फिर अपने काम पे, और छुट्टी पे आए हुए थे, पूना में पेंटिंग का काम करते थे। तो आर्थिक मदद की कितनी आवश्यकता है इस परिवार को आप लोग खुद समझ सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे और लिखित रूप से भी अनुरोध करेंगे अपने संस्था के माध्यम से कि इस परिवार को आर्थिक मदद जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, और साथ ही महाराजगंज प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, अभिनम्र निवेदन करेंगे कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद जरूर दी जाए ताकि इन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और इनका गुजारा बसर हो सके। और खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन कम से कम इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनका भविष्य अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। बने रहिए अवध केसरी टीवी के साथ, धन्यवाद।